ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पीछे ओमान गए तो मां के भाई बता रहे थे कि यहां मिडिल ईस्ट में एक रिसर्च हुआ, एक व्यक्ति को फांसी लगने वाली थी। कुछ साइंटिस्ट जो बाहर से आए थे उन्होंने कहा कि फांसी तो लगने वाली ही है, हम अपनी एक रिसर्च कर ले क्या तुम्हारे कैदी पर, मुजरिम पर। तो उसने कहा हम परमिशन देते हैं, मुजरिम से पूछ लो जिसको फांसी लगने वाली है। तो कहा तुम तो मरने वाले हो, ये बताओ कि हम तुम पे एक रिसर्च कर ले, हम तुम्हें फांसी लगवा करके नहीं सांप कटवा कर मरवाना चाहते। उसने कहा ठीक है, जाते जाते मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं, एक रिसर्च के काम आ जाऊं, इससे बढ़िया क्या बात होगी, मुझे तो मरना ही है फांसी से नहीं तो सांप से। तो कहा हम तुम्हें कोबरा सांप से कटवा कर मराएंगे। एक टोकरी में कोबरा सांप जहरीला ले रहे थे, वो उन्होंने वो कोबरा सांप उसको दिखाया टोकरी से निकाल कर कि देखो ये कोबरा सांप बहुत ही विषैला है, केवल 10 सेकंड में मर जाता है इंसान इसके काटने से, 10 सेकंड ओनली, मुंह में से झाग निकलेंगे और तुम मर जाओगे, इतनी तेजी से बॉडी में फैलेगा इसका जहर, इसका काठा पानी भी नहीं पीता। उसने कहा डन, कोई बात नहीं, 10:30 बजे फांसी लगनी है, इसी से कटा के मरा देना। अगले दिन 10:30 बजे पहुंच गए, उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया गया। अब उन साइंटिस्ट ने, ये रियल स्टोरी है, रिसर्च हुआ है इस पर, कमेंट्री देना शुरू किया, भैया हमने टोकरी से काला सांप बाहर छोड़ दिया है, ये लहराता हुआ आपके पास आ रहा है, अब बिल्कुल आधे फुट की दूरी पर फन उठा के खड़ा हो गया है और अब इसने पना मार दिया, डंक मार दिया। डंक नहीं मारा था, केवल 2 आलपिन चुभाए गए थे उसको और आलपिन चुभाते ही उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट 10 सेकंड से पहले। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट आई कि जहरीले कोबरे का विष पाया गया इसके शरीर में, जबकि वहां सांप था ही नहीं, केवल 2 आलपिन उसको चुभाए गए थे। अब आप सोचिए, केवल चित्र देखने से और सोचने से यदि मेरे शरीर में विष पैदा हो सकता है तो अच्छा सोचने से, अच्छा विजन देखने से मेरे अंदर अमृत भी पैदा हो सकता है, मेरे अंदर वो हीलिंग पावर भी जागृत हो सकती है, वो संजीवनी भी पैदा हो सकती है जो बड़ी से बड़ी बात को खत्म कर सकती है। इसीलिए शुभ शुभ सोचिए, अच्छा सोचिए।